और उन्होंने ये कह दिया कि ये कोर्ट में पेंडिंग है मामला। हुड्डा ने एक बार भी खड़े होकर के ये कहा कि कोर्ट में कोई भी मामला पेंडिंग है तो उसमें विधानसभा में उस पर चर्चा होने से कोई रुकावट नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कह रखा इस पर चर्चा नहीं हो सकती, ना कोर्ट ये कह सकती कि विधानसभा में या लोकसभा में किसी बात पर आप चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं इसने चर्चा कराई? क्यों अपने इन तीनों मुसलमान MLA को ये कहा कि तुम्हारे में से कोई भी एक भी इस इश्यू पे बार कोई बयान नहीं दो? इसका मतलब सरकार का बचाव कर रहे हैं, सरकार के बचाव में लगा हुआ है। आज भी ऐसे बयान देकर के सरकार को मदद करने में लगा हुआ है। आपने उसके इस बयान के ऊपर शैलजा का बयान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या बयान आया उनका? उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का फैसला भी सेंटर की गवर्नमेंट करेगी और हमारे यहाँ इंडिया का फैसला भी हमारी जो सेंटर की जो लीडरशिप है वो करेगी। हुड्डा जी से पूछो श्री तू तेरे लड़के की टिकट लाएगा कि नहीं ये बताने पहले थे, और बात तो बात की है, 10 टिकटों को छोड़ बहुत दूर है तेरे लिए, तुम अपनी एक टिकट की बात करके। पहले मोनू मानेसर को सरकार ने क्लीन चिट दी और अब गिरफ्तारी, इसके पीछे कुछ तुम्हारा सांसद तो आज भी ये कहता है कि मैं मोनू मानेसर के साथ हूँ, इसका मतलब तू विवाद बढ़ाना चाहता है? तू क्या मुसलमानों को जिंदा जलाना चाहता है? क्या तू यहाँ हिंदू का कार्ड खेलना चाहता है? क्या रोहतक के हालात खराब करना चाहता है? उस सांसद से पूछने वाला हो कि कोई आदमी तुम्हारी सरकार ने तुम्हारी पार्टी ने इस बात का ठेका ले लिया कि रेप करने वाले के साथ हो, आदमी मारने वाले के भी साथ हो, लूटने वाले के भी साथ हो, तो इस प्रदेश को बर्बाद करना है सर? क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी? कल मुख्यमंत्री ने 6 पोर्टल लॉन्च किए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें पोर्टल का मुख्यमंत्री कहते हैं। ये जितना इन चीजों को लेकर के खुश होता है मुख्यमंत्री, ये मान के चलो मुख्यमंत्री ने खुद ने एक बयान दिया था, ये कहा था बोले मैं तो चादर ओढ़ के सो जाऊंगा, अब की बार लोग चादर उठा देंगे, चिंता ना करो। संविधान दिवस के ऊपर हमने 12-13 राजनीतिक दलों के अलग अलग जो पार्टी के मुखिया हैं जिनकी अपनी एक बड़ी पहचान है, उन सबको बुलाया। लालू यादव जी है, नीतीश जी है, फारूक अब्दुल्ला साहब है, शरद पवार जी हैं, सीताराम येचुरी हैं, जयंत चौधरी है, सतपाल मलिक हैं, सुखवीर बादल हैं, हनुमान बेनीवाल हैं, ये इस किस्म के जो लीडर हैं उन सबको हमने निवेदन किया है, आमंत्रित किया है, और वो सारे के सारे पहले भी आए थे, अब की बार फिर सब लोग आ रहे हैं कांग्रेस से। ये तो आपको एक चीज़ बताऊं, मैं जब से हमने यात्रा शुरू करी है उसमें भगदड़ मच गई। हरियाणा में तो कहीं जलसा कर ही नहीं सकते, टिक ही नहीं सकते, कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए राजस्थान गए हैं। ना तो ये किसी को कमजोर कर सकते वहां, और ना ये कुछ हासिल कर सकते। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट बहुत दफा करके देखे, हमने UP में किया, राजस्थान में किया, दिल्ली में किया, लोग बहुत छाने हैं, लोग सब समझते हैं, सब जानते। चांद सी सुंदरता के साथ चांदी का सिक्का बिल्कुल फ्री, आज ही खरीदे शाइन विद एस के प्रोडक्ट। पूरी तरह से ऑर्गेनिक और त्वचा व बालों के लिए वरदान है शाइन विद एस। कील मुहासे का डर छोड़ खुलकर खाओ गोलगप्पे और स्पाइसी। कील मुहासे से त्वचा की रक्षा करने के लिए आज से खरीद लो शाइन विद एस की हर्बल एंटी एक्ने क्रीम। ना सूरज की किरणों का डर और ना ही प्रदूषण का भय, खुलकर जियो शाइन विद एस की हर्बल एंटी एक्ने क्रीम के साथ।